स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर लास्ट 72 आवर्स, मानक संचालन प्रक्रिया पिछले 72 घंटों के लिए। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर वाई पी सिंह ऑफ SR गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। यह एजुकेशनल वीडियो केवल जनरल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस व लॉस को ही मान्य किया जावे। निर्वाचन दिवस के पहले के 72 घंटे चुनाव प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए समयबद्ध और सावधानी पूर्वक अग्रिम योजना, कठोर क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण आवश्यक है। लास्ट 72 आवर्स पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट। ऑब्जर्वर की मौजूदगी में निर्वाचन से 2 दिवस पहले मतदान कर्मियों का तीसरा रेंडमाइजेशन किया जा सकता है। हालांकि कठिन स्थलाकृति वाले क्षेत्रों जैसे कि उत्तर पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में निर्वाचन दिवस से 3 से 6 दिवस पूर्व भी तीसरा रेंडमाइजेशन किया जा सकता है। रेंडमाइजेशन के परिणाम को प्रेक्षक की उपस्थिति में और हस्ताक्षर के साथ सील किया जाएगा। सीलबंद कवर केवल निर्वाचन से 1 दिवस पूर्व या किसी अन्य दिन निर्धारित किया गया हो पर ही डिस्प्ले सेंटर पर खोला जाएगा। कंप्यूटर रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर महिला मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर नहीं रखा जाना चाहिए। प्रेक्षक द्वारा महिलाओं के लिए मैनुअल रेंडमाइजेशन किया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र का चयन किया जाएगा। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों के गठित होने के तुरंत बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य प्रेक्षक के माध्यम से ECI और CEO को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। मतदान कर्मियों के कल्याण के उपायों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। संवेदनशील मतदान केंद्रों को कम से कम एक या अधिक उपायों द्वारा कवर किया जाएगा। ये उपाय होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, वेबकास्टिंग, CCTV कवरेज। लॉजिस्टिक फॉर माइक्रो ऑब्जर्वर्स। माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मतदान केंद्र पर पहुंचने व वापसी की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रत्येक माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान केंद्रों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। FST, SST, VST, VVT, EMC, एक्साइज टीम, MCMC, DEMC, अकाउंटिंग टीम 2400 घंटे EEM कंट्रोल रूम निर्वाचन से 72 घंटे पहले अधिक सक्रियता से कार्य करेंगे। जहां जहां आवश्यक हो FST, SST के साथ CAPF बल भी तैनात किया जाना चाहिए। CAPF का मतलब है केंद्रीय पुलिस बल। किसी भी परिस्थिति में पुलिस सुरक्षा कर्मियों के अभाव में FST, SST को निर्वाचन के पहले 72 घंटों के दौरान भंग नहीं किया जाना चाहिए। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विवाह, सामुदायिक हॉल आदि में उपहार वस्तुओं, भोजन की मुफ्त सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्हीकल परमिशन। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अनुरोध प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारी, स्टार प्रचारक के अलावा द्वारा चुनाव कार्य के लिए जिले के भीतर एक वाहन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इस व्यय को राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा, न कि उम्मीदवारों के खाते में। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के CEO किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रचार हेतु वाहन के इस्तेमाल की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे राज्य जहां 100 से अधिक सीटें हैं वहां 5 वाहनों की अनुमति दी जा सकती है। इस व्यय को राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा, ना कि उम्मीदवारों के व्यय खाते में। चुनाव कार्य या चुनाव प्रचार में वीडियो वैन आदि के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करने से पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का उपयोग इस तरह से हो कि मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन ना हो। मिसयूज ऑफ मनी पावर। प्रत्येक थाना अधिकारी द्वारा करीबी ट्रैकिंग की जाना चाहिए कि मतदाताओं को पैसे या अन्य रूपों में खरीदा तो नहीं जा रहा। चुनाव मशीनरी या पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के कुप्रभावों पर नजर रखने के लिए एक टीम के रूप में काम करना होगा।
राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राज्यीय सीमा को कवर करने वाले नियत मार्गों पर व्यापक रूप से गश्त की जाना चाहिए। कम्युनिकेशन शैडो एरिया। शैडो एरियाज के लिए अग्रिम संचार योजना वैकल्पिक उपायों सहित तैयार की जाना चाहिए। साइकिल, मोटरसाइकिल मैसेंजर को उन स्थानों पर सेवा में लगाया जा सकता है जहां किसी भी प्रकार के फोन के माध्यम से कोई संपर्क नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के पहले 72 घंटों के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी को मतदाताओं की शिक्षा और जागरूकता के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें निम्न जानकारी प्रदान की जाएगी: डेट ऑफ पोल, स्टार्ट एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ पोल, पोलिंग स्टेशन लोकेशंस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एथिकल एंड इन्फॉर्म्ड वोटिंग, इम्पेरेटिव ऑफ ऑर्डरली एंड पीसफुल कंडक्ट एट पोलिंग स्टेशन, पोलिंग डे ऑफेंसेस एंड माल प्रैक्टिसेस। इस वीडियो में हमने निर्वाचन दिवस के पहले के 72 घंटों के दौरान क्या करना है उसको समझने की कोशिश की। यदि आपके कोई सजेशन या सुझाव हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कॉन्टेक्ट करें। निर्वाचन से संबंधित दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।